कभी सोचा है कि आप मोटा क्यों हो रहे हो? आपका शरीर दिन ब दिन बढ़ क्यों रहा है? बहुत सारे लोगों का ये दिक्कतें रहती है और ये बोलते हैं कि मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, तब भी मेरा वजन क्यों बढ़ जा रहा है? मैं तो हफ्ता दिन तक भी नॉर्मल से कुछ भी एक टाइम खाता हूँ, तब भी मेरा वजन क्यों बढ़ जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे खाना पीना छोड़ने से हमारा वजन कम नहीं होने वाला। वजन हमारा तब कम होगा, देखिए शरीर का वजन कब बढ़ता है पता है? इस चीज को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसी भी चीज में मान लो दीवार की एक दीवार है, ठीक है, मतलब मोटा जाए बोला जाए 9 इंच की दीवार है, ठीक है। उसके बाद हम उसमें प्लास्टर, मतलब 9 इंच की जो दीवार है उसमें हम प्लास्टर करेंगे सीमेंट से, ठीक है, पुट्टी लगाएंगे, कलर करेंगे, ठीक है। तो 9 इंच से थोड़ा सा मोटा होगा ना, जाहिर सी बात है। उसी प्रकार हमारे सेम शरीर के साथ होता है, हम लोग जो गलत चीज खाते रहते हैं ना, वो हमारे शरीर में लेयर बनता है। जिस प्रकार दीवार में 9 इंच का दीवार 12 इंच का हो जाता है प्लास्टर करने में, कलर लगाने में, पूरी तरह डेंटिंग पेंटिंग करने में 9 इंच की साइज 12 इंच हो जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के साथ भी होता है। जैसे जैसे हम खाते जाते हैं, ठीक है, और वो चीज हमारे शरीर से निकल नहीं पाता, वो चिपकते जाता है हमारे शरीर में, फैट के रूप में चिपक जाता है। तो यही मोटापा है। अगर आप कुछ भी चीज खा रहे हैं ना, तो उसको शरीर से निकालना भी जरूरी है। जो अच्छा चीज है वो शरीर में रुक जाएगा ऑटोमेटिक, आपकी बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि गलत चीज, गंदा चीज जो शरीर में रुकना नहीं चाहिए, वो भी आपके शरीर में रुक रहा है, यही मोटापा है। और ये कैसे होता है? हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से। हमारे शरीर को एक टाइम खाने की जरूरत रहती है, लेकिन हम 4 टाइम खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे खाना है, फल फ्रूट को पचाने में कम समय लगता है, और अन्न जो चावल दाल सब्जी हम लोग खाते हैं ना, उसको पचाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जैसे कि नॉर्मल से समझें, फल फ्रूट अगर हम खा रहे हैं ना, उसको शरीर को पचाने में 3 घंटा समय लगेगा, ठीक है। लेकिन चावल रोटी सब चावल रोटी के साथ एक साथ थाली भर के खा रहे हैं ना, उसको पचाने के लिए, उसको शरीर में पूरी तरह पाचन क्रिया होने के लिए 16 घंटा का समय लगेगा। सोच सकते हैं, यानी आप दोपहर को 1 बजे खा रहे हैं, दोपहर का लंच कर रहे हैं, तो दिन भर और खाने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको भूख लग रही है, एहसास हो रही है, तो आप फल फ्रूट वाली चीज खाएं जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। मतलब फल फ्रूट वाली चीज जो है वो 3 घंटा में डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन आप अन्न को, ठीक है, चावल दाल रोटी सब्जी ये सब चीज को खा रहे हैं, तो उसको 16 घंटा, जैसे कि आप दोपहर में खा रहे हैं तो रात को भी खा रहे हैं, तो 16 × 32, ठीक है। तो ऑलरेडी वो शरीर में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर में और खाएंगे तो कहां से वो शरीर से बाहर निकल पाएगा? जाहिर सी बात है, नहीं निकल पाएगा। इसलिए इंसान दिन ब दिन मोटापा की ओर जाता है। और देखो, शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन क्या भोजन चाहिए ये समझने की जरूरत है, तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, और अस्वस्थ रहने के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे ना, उतना जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे और अच्छा बेहतर जीवन यापन करेंगे और लाइफ स्टाइल एंजॉय करेंगे। देखिए, मैं भी काफी ज्यादा लापरवाह था सेहत से रिलेटेड, और अभी देखिए मैं आपके सामने में हूँ, मेरे शरीर में कहीं पर मोटापा नजर आ रही है आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए कि मैं पहले कैसा हो गया था, ये मेरे पहले का शरीर है, ठीक है। और मैं खाने पीने में नॉर्मली सी बदलाव लाया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से
डाइट को फॉलो किया और डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना चालू किया और किस समय क्या खाना चाहिए इस चीज को मैं समझा, ठीक है, और उसी से मेरे को ये शरीर से ये शरीर मेरे को मिला। तो आप भी थोड़ा सा बदलाव लेकर अपने शरीर में बदलाव ला सकते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश वैष्णव है और मैं लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता हूँ। जो भी गलत लाइफ स्टाइल है उसको सुधार लेने में मैं उनकी मदद करता हूँ। हमको कितना पानी पीना चाहिए, किस समय क्या खाना चाहिए, किस समय एक्सरसाइज करना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, ठीक है, इस सेहत से रिलेटिव मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए ये सेशन बनाया हुआ हूँ और YouTube बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरा चैनल देख भी रहे होंगे अभी, जिसमें से आप उसमें से एक हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे अन्य वीडियो का लिंक है, उसको भी आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो अन्य व्यक्ति को शेयर भी कर सकते हैं कि आपको क्या नॉलेज मिल रही है। और मेरे चैनल में आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सेहत से रिलेटेड अन्य और चीजें, मैं आपके लिए डेली रूटीन में कुछ ना कुछ सेहत से रिलेटेड जानकारी लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से जो मैसेज आएगा उसी टॉपिक पे मैं और भी अन्य सेशन बनाने के लिए आपके लिए कोशिश करूंगा। तो कमेंट करके भी जरूर बताएं हमारे सेशन को कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और अन्य वीडियो में भी आप जाकर देखें, मैं उसमें हेल्थ का गोल सेट करवाया हूँ, न्यूट्रिशन के वैल्यू बताया हूँ कई वीडियो में, विटामिन प्रोटीन एंड मिनरल्स हमारे शरीर को क्यों चाहिए ये सब चीज बताया हूँ। तो आप ये सब चीज इंजॉय मेरे वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल कोच मिस्टर ओम प्रकाश वैष्णव यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपके सामने मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और आप हेल्थ से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो आज का सेशन हमारे यहीं तक का, थैंक यू सो मच।